टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना कर। स्वाभाविक है आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं, मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे एंड दिस अपील ऑफ माइन इज द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द एजुकेटेड डायनामिक यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज अ वर्सेस इलेक्शन, एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस द एक्सप्रेस वे ऑफ समाजवादी पार्टी। द एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी आर गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है गुंडई एक्सप्रेस वे, रंगदारी एक्सप्रेस वे, दंगई एक्सप्रेस वे और माफिया एक्सप्रेस वे। चुनना आपको है गंगा एक्सप्रेस वे और गुंडई एक्सप्रेस वे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और रंगदारी एक्सप्रेस वे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और दंगाई एक्सप्रेस वे के बीच में, चुनना आपको है गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेस वे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए बड़ा स्वाभाविक है, जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ रखा है कि उपद्रव नहीं चलेगा, दंगा नहीं चलेगा, चलेगा तो केवल विकास चलेगा। 80% जनता उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो इस बात पे विश्वास करती है, मानती है कि विकास हुआ है। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना जिनको प्रश्रय समाजवादी पार्टी का और बाकी कुछ छुटपुट पार्टियां जो हैं, जो ना 3 में है ना 13 में है, समझ जाइए किस पार्टी की बात कर रहा हूं, उनका प्रश्रय मिला हुआ है। वो हर क्षण ये कोशिश करते हैं, हर पल ये कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सौहार्द बिगड़े, किस प्रकार से अशांति फैले, किस प्रकार से यहां पर कानून की व्यवस्था बिगड़ जाए। किंतु आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं योगी आदित्यनाथ जी ने उन सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सबक सिखाया। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों की जब्त हुई, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। कानून व्यवस्था के विषय में बात करते हैं, मैं सवाल पूछता हूं आज, मैं उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं उड़ीसा का, मगर मुझे आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देख के गर्व महसूस होता है। पहले उत्तर प्रदेश में जो लोग शासन करते थे वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं क्या? ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके नाम पे लॉ एंड ऑर्डर चलेगा आज? चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, वो वही है जहां उनको होना चाहिए। एक एक देखिए, यूपी सरकार एक संवैधानिक सरकार है, वो संविधान में विश्वास करती है। इस प्रकार के लांछन तो लगाए जाते हैं उन लोगों से जिनको पता है कि उनकी वास्तविकता क्या है। मगर ये जो डर का वातावरण है माफिया के अंदर, डॉन्स के अंदर, जो माफिया और डॉन पहले उत्तर प्रदेश को अपना बपौती मानते थे, कुछ कुछ मुझे लगता है ये डर कि अगर हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये डर ठीक है किंतु ये लांछन ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, सभी के जान का हिफाजत।